छत्तीसगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जालकाखेड़ा गांव में सामाजिक कार्यक्रम में राजस्थान गुर्जर महासभा के जिला अध्यक्ष एवं उप जिला प्रमुख शंकरलाल गुर्जर ने गुर्जर समाज को संबोधित करते हुए कहा कि गुर्जर समाज अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाए, शिक्षा से ही गुर्जर समाज का सर्वांगीण विकास होगा और गुर्जर समाज प्रगति करेगा। राजस्थान गुर्जर महासभा के जिलाध्यक्ष शंकरलाल गुर्जर ने कहा कि गुर्जर समाज के हित में सभी को संगठित होकर सामाजिक एकता एवं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में गुर्जर समाज में शिक्षा के लिए जनजागरण अभियान शुरू करने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर पूर्व सरपंच लादूलाल गुर्जर, बद्रीलाल गुर्जर, मथुरालाल गुर्जर, सोजीराम गुर्जर, सीआर प्रतिनिधि राधाकृष्ण गुर्जर, बागालाल गुर्जर, कालूराम गुर्जर, रामलाल गुर्जर, शंकर गुर्जर, मोरपाल गुर्जर, दुर्गालाल, छोटूराम, जगदीश, शिवराज, नंदलाल, हरनाथ, ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष बद्रीलाल गुर्जर, नारायण गुर्जर, राधाकृष्ण खाना, प्रकाश परमेश्वर, रामलाल सोदान, किशन सांवरा, कालू गोपाल, घासीलाल, बागालाल, धर्मराज, जयराम, रामेश्वर, हरचंद, सुरेश गुर्जर, शैतान सिंह, दिनेश, महेंद्र, मिठुलाल, राजू, सूरतराम, सत्यनारायण, श्यामलाल, सोनू, बहादुर गुर्जर, रामलाल गुर्जर, श्रीलाल गुर्जर, रतिराम गुर्जर, ट्रांसपोर्टर मुकेश गुर्जर, रामराज गुर्जर, रामप्रसाद गुर्जर सहित सभी ग्रामवासी उपस्थित थे। राजस्थान गुर्जर महासभा भीलवाड़ा के जिलाध्यक्ष एवं भीलवाड़ा के उप जिला प्रमुख श्रीमान शंकरलाल जी गुर्जर साहब, गुर्जर समाज के युवाओं को संदेश। मैं गुर्जर समाज के युवाओं से आग्रह करता हूं कि अपने सभी भाइयों को पढ़ावे, अच्छी शिक्षा दिलावे। जहां कहीं भी गुर्जर समाज के युवाओं को जरूरत पड़ेगी, मैं हमेशा तन मन धन से गुर्जर समाज के युवाओं के साथ।